तो हेलो गाइस, कहते हैं सारे सारे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं आए थे, मैंने सोचा आज स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि गांव में ज़्यादा कुछ हो ही नहीं रहा था, वही थोड़ी बहुत बारिश, कुछ ऐसा चीज़ नहीं हो रहा दिखाने के लिए। पर व्लॉग बंद हो गए थे तो मैंने सोचा नहीं, जो भी होगा दिखाऊँगा, कुछ हुआ हो नहीं हुआ हो जो भी आपको सब दिखाऊँगा। अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर में खेत में, आपको सीधे वहीं मिलेंगे, क्योंकि रोज़ गाय आती हैं, रोज़ सुबह को वहीं आना पड़ता है, रात में गाय आ जाती हैं, जो रस्सी वगैरह है वो तोड़ देती हैं, तो वहीं चलते हैं। छवि देखो बात कर रही है मैक से, और हम चल रहे हैं अभी खेत पर। रूसी हमारी सामने बैठी हुई है, अब आपको खेत पे मिलेंगे थोड़े थोड़ी रास्ते में ही। तो गाइस अभी हम चलते हुए खेत की तरफ, देखो ये हमारे गांव का तालाब है, ठीक है, इसे गड्ढा भी बोलते हैं। और अभी हम चल रहे हैं क्योंकि इधर पानी भर गया है, तालाब का पार है जो ऊँचा हो गया है, और रोड हमारा नीचा हो गया है, तो पानी भर गया है तो इसके ऊपर से चलना पड़ता है, रोड पर पानी है वह भरा हुआ। और इधर झाड़ियाँ झाड़ियाँ हैं, देखिए इधर काफ़ी झाड़ियाँ हैं, कुछ नहीं पता, कुछ भी निकल सकता है। इतना पार करने के बाद फिर रोड पे आना पड़ता है। और अब हम जा रहे हैं खेत की तरफ, रोज़ की तरह, जहाँ इतने टाइम रोज़ जाता हूँ मैं खेत पे, क्योंकि गाय आ जाती हैं, अभी दिखाऊंगा। और खेत काफ़ी दूर है इधर, वहीं पे है लगभग, मैं आपको एक दो बार दिखा भी दिया है, तो चलने में अभी टाइम लगेगा काफ़ी। और सब चीज़ तो आपने देखी है, मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह आज बादल से हैं, कल भी बारिश हुई थी, परसों भी बारिश हुई थी, देखिए व्यू अच्छा आ रहा है। चलो धीरे धीरे मिलते हैं आपको भी खेत पे पहुंचने के बाद। तो गाइस आ गए हैं हम खेत पर, देखो अभी थोड़ी देर पहले ही गाय गई हैं, मुझे लग रहा है ताज़ी ताज़ी निशान है। और ये भी तार भी ऐसा था, रस्सी ठीक हुई है, करी है मैंने। और थोड़ी देर फसल हल्की सी ख़राब हो गई है, चुंग ली है जो गाय ने खा ली है, उड़ दें इसमें, तो गाय बार बार परेशान कर रही हैं काफ़ी ज़्यादा। तो वह इस बार अब चलते हैं इधर, तो अभी कुछ है नहीं ऐसा, गाय वगैरह है नहीं, अब चलते हैं इधर थोड़ी देर, वहाँ बैठेंगे कुएं पे, अभी आगे देखेंगे कुछ दूसरे खेत पे चलेंगे। अभी तो आज पूरा दिन है, मौसम भी बहुत सुहाना हो रहा है, आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अभी दो दिन से इतनी गर्मी हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी। मिलेंगे आपको गाँव में अब। सभी हम आ गए हैं घर, छवि तैयार होके बैठी पड़ी हैं बिसौली जाने के चक्कर में, हम बिसौली जा नहीं रहे हैं, छवि का मुँह बना बैठा है। अभी तो थोड़ी देर पहले खेत पे आए, खाना वाना खाया, बिसौली जाओ, चले जाएंगे बिसौली बिसौली बिसौली, चलें बिसौली, चलो फिर थोड़ी देर बाद बिसौली चलेंगे, बिसौली ही मिलेंगे। बिसौली के लिए हम तैयार हो गए, अब जा रहे हैं बिसौली। साहब बिसौली आ गए हैं, इतनी देर तक छवि अपनी सहेली के घर पर चली गई है, और हम यहाँ बाहर बैठे हैं, देखो भाई बस गुस्सा आ रही है। अच्छा इससे तो बढ़िया गांव में ही सही है, आ गए हैं इनके साथ, अब आएंगे तब जाएंगे बिसौली अंदर कहीं। आ गए शॉपिंग करा के भाई साहब, किसी के भी साथ जाए पर लड़कियों के साथ मत जाए कपड़े खरीदने के लिए। 2.5-3 घंटे में एक ड्रेस खरीदी गई है, एक ड्रेस, इतने परेशान हैं, इतने परेशान हो गया भाई साहब, ऐसे चला गया था जल्दी, और क्या बताऊँ, रुपए भी डाल के न ले गया। और भाई साहब इनके द्वारा गए हम, इनके द्वारा सही है, बस क्या बोले, बहुत बेइज्जती हो जाएगी। चल रहे हैं घर पे भाई साहब, लगभग मैं
300 ऊपर हो गए और 12:30 बजे आए थे हम, 3:14 हो गए। परेशान हो गए, जा रहे हैं घर, वहीं मिलेंगे। सॉरी आगे मैं लेट गया, अभी मैंने देखा एक छवि ने वीडियो भी बना दी थी मेरी, और मैं थोड़ा भी पता ना बुखार सा आ गया क्या, अब आया हूँ रात में इधर घूमने, कुछ है तो है नहीं, लड़के आ गए हैं अभी, विवेक भी नहीं मिला किसी से, हंसी बात कुछ हो जाए, कुछ भी नहीं हुआ अभी, देखते हैं अभी कैसा क्या है। आप जिनका इंतजार था आ गए, थोड़ा चल के दिखाइए भाई साहब, इनको भाई साहब पत्तोर हो गए हैं, देखो ये चाल बसंती की तरह चाल हो गई है इनकी, तुम्हारा बहुत देर से इंतजार था, हमारे गाइस तुम्हें बहुत देर से याद कर रहे थे सब, और पुलिस आ गई। भैया गाना सुन रही है जहानी सिंह का, बस आज के ब्लॉग में इतना ही सारा सब चीज, अब बस आज थोड़ा लेट हो गया, खाना खाने आया हूँ मैं, खाना खा कर यहीं ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ, सुबह ख़त्म करूँगा कुछ थोड़ा सा और दिखा के, कुछ मिल जाए अच्छा भी देखने के लिए, और फिर ब्लॉग ख़त्म करूँगा, सुबह मिलेंगे आपको। छोटू कहाँ है? काट लो डांटो, पूर्वी डांटो भैया को डांटो, दिलवाने क्या हुआ भाई? अच्छा थोड़े इनकी तकलीफ है और कुछ ज्यादा ही तकलीफ है। चलो भाई साहब रोकी रोकी छोड़ी, उतरिए उतरिए, कहाँ आ गया सांप? सांप कहाँ है? अरे यार कहाँ है यार, जल्दी बताओ यार, स्कूल में कहाँ सांप घुस गए तुमने यार, बाल इन बच्चों कहाँ है सांप, इन बच्चों को परेशान कर रहा है। तो गाइस स्कूल में घुस गया सांप, हम जा रहे हैं अब, ठीक है बिसौली मिलेंगे, हम फोन ले लें। हम आ गए गोविंद भैया की दुकान पर, मोबाइल लेने वहाँ मिला नहीं जो लेने गए थे, और यहाँ पे मुझे लग रहा है वो है नहीं, सामने दूसरा रखा है, फ्यूजन लेने आए पर 50 रखा है खाली। देखो भैया से बात करेंगे अभी, फिर बताएंगे कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। जेरे विवेक के दोस्त छोटे छोटे, दो उधर एक ये, और तीसरे तो ये हैं ही। मोबाइल तो दिखा दो भाई साहब, हमें मेरे दोस्त हैं ये, तो बस अब चलेंगे घर, घर ही मिलेंगे। तो गाइस रात के 12 बज रहे हैं और व्लॉग एडिट करने जा रहा हूँ मैं, यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और रोज़ जैसे भी व्लॉग आएंगे बनेंगे जैसे मैं आपको डालूंगा। अभी 5-6 दिन के लिए बीच में गैप हो गया था और मेरी भी थोड़ी तबीयत सही नहीं हो रही थी, और बात यह थी बरसात की वजह से ऐसा क्या दिखाऊँ, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा था, फिर आप लोग देखते नहीं हो, जैसा भी जो होगा मैं दिखाऊँगा, और व्लॉग आएंगे जल्दी व्लॉग आएंगे।